मैं अभी भी सुजय प्राण पी एन आई से भैया को एक नया वीडियो लेके आऊँ। जैसा कि आप सभी को पता है, बारिश का मौसम आ गया है, बीमारियों का मौसम आ चुका है, तो आप सबको पता है कि बारिश का मौसम आ चुका है, ठीक है, बीमारियों वाला मौसम है। तो इस मौसम में अपने कबूतरों को बचाने के लिए जो कि तीन चीज़ करना ज़रूरी है, ठीक है, एक तो इंटरनली जो अंदर की चीज़ें वो साफ़ करना, एक बाहर की चीज़ें और एक लासोटा, ठीक है। अगर ये तीन चीज़ आप करते हैं तो आपके 90 से 95% कबूतर आपके बीमारियों में नहीं आएंगे, ठीक है। ये कबूतर मैंने पर काट करके गोल करके रखे हुए हैं, ठीक है, सजाने के लिए, घर बचाने के लिए। कुछ इसमें नए कबूतर हैं और कुछ पुराने भी मैंने छोड़ रखे हैं, ठीक है, और कुछ कबूतर ऊपर चढ़े हुए हैं, देखिए ये आपको दिख रहा होगा। अगर इसमें से दो पुराना कबूतर तो कुछ पुराने कबूतर उसमें, ठीक है। चलें वीडियो की तरफ। तो आपको ये मेडिसिन लेनी है, एल्बेंडाजोल, ठीक है, कोई सी भी कंपनी का, और इसका तरीक़ेकार मैं बता देता हूँ। तरीक़ेकार ये है कि आपको ये मेडिसिन, ठीक है, बहुत ईजिली अवेलेबल होती है ये सब जगह, एल्बेंडाजोल, और बहुत चीप रेट में, ठीक है। क्या करना है, बहुत सारे लोग पानी में भी देते हैं, ठीक है, लेकिन मैं पानी में दूंगा नहीं, मैं डब्बे में भरकर दो दो बूंद मुंह में दूंगा, उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। और अगर आप पानी में देते हैं तो कोई कबूतर ज़्यादा उठाता है, कोई कम उठाता है, तो उससे क्या होता है कि आपकी मेडिसिन भी वेस्ट हो जाती है और ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। और अगर मुँह में आप देंगे तो, और डोज ज़्यादा ना हो, बस दो ही बूंद देना है, ठीक है, और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है मेडिसिन। आपको क्या करना है, ये दवाई किसी भी एक डब्बी में भर लेना और दो दो बूंद लेके कबूतरों को दे देना, ठीक है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कैसे आप लोगों को करना है। तो ये मेडिसिन थी, ठीक है, उसको पहले अच्छे से आप शेक कर लें, ठीक है, क्योंकि नीचे सस्पेंशन होता तो नीचे, ये देखिए ये सस्पेंशन है, सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि अगर वो आप ऐसे सीधे रखेंगे, ठीक है, तो मेडिसिन नीचे जम जाएगी। उसे करना क्या होगा, पहले कि आपको अच्छे से शेक कर लेना होगा और ऐसी एक डिब्बी में भर लेना पड़ेगा, ठीक है, या फिर अगर आपके पास ऐसा कोई अगर ड्रॉपर है तो आप ड्रॉपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका ड्रॉपर इसलिए नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे कबूतर हैं, ठीक है, बार बार इसमें खींचना पड़ेगा तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत मेहनत का काम है। तो आपको सिंपली ऐसे एक डिब्बी में भर लेना, ठीक है। चले कबूतरों को देते हैं। तो ये मेरे जो मादी ने, अरे ये जो मादी ने उसका चैम्बर है, ठीक है, जो मैं अंडे बच्चे नहीं कर रहा हूँ सेपरेट रखता हूँ, और इधर नर है, ठीक है। तो चले मादिन का करके दिखाता हूँ, मैं कुछ लेके लेता हूँ, मैं मादिन को आपको दिखाता हूँ कैसे दो बूंद देना उसे। तो ये एक तामड़ा मादा मेरा, ठीक है, इसको मैंने जोर से काट के रखा हुआ, दो ही जोर मैक्सिमम में बच्चे लेता हूँ, ये देखिए। एक और मादा, फुलसरी सी मादा है, बहुत नायक, चलें इसे भी दे देता हूँ। एक फैंसी कबूतर को दे देता हूँ मैं अपने, ठीक है, अभी नया ही लाइन लेकर आया हूँ। तो ऐसे ही आपको ये मेडिसिन सारे कबूतरों को दो दो बूंद देना है, ठीक है। उसके बाद आप डैरोलैक आता है, इंसानों की एक दवाई है, जिसे बैक्टीरियल ग्रोथ, आपकी जो अच्छी बैक्टीरियल होते हैं उसकी ग्रोथ वो बढ़ा देता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं लगातार तीन दिन, ठीक है, पानी में आप देते हैं। डैरोलैक चीप है, DAROLAC, ठीक है, इसका मेडिसिन का स्पेलिंग बता दे रहा हूँ मैं, मेरे पास अभी है नहीं, मैं शाम को ले आऊँगा, ठीक है। तो आप वो तीन दिन लगातार चलते हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो आगे भी और दो चीज़ जो मैंने आपको बताई है, वो चीज़ मैं आपको करके दिखाऊँगा, ठीक है। एक तो लासोटा
और दूसरा है एक्सटर्नल, जो मैं कीड़ों को मारने के लिए दवा यूज़ करूँगा। तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो ये देखें रिजल्ट आ गया है कल से जो डीवॉर्मिंग की थी, ये देखें, ये ठीक है। एक्चुअली मैंने शाम को दिया था, ठीक है, तो इसलिए खोज पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जैसे जैसे कीड़े निकलने लगेंगे जो कि कबूतरों के अंदर हो पल जाते हैं और उनको कमज़ोर कर देते हैं, जो भी चीज़ आप उनको देते हैं वो सब ये खा जाते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता है, जिसके कारण कबूतर सूखने में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो लाजमी आप 3 महीने में एक बार, और जो तीनों चीज़ की है मैंने, इंटरनल एक्सटर्नल और लाखोटा, ज़रूर करें, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट मिल गया, और भी होगा कहीं पता नहीं, ठीक है। मैंने शाम को दिया था, मैं एक टाइम ही दाना फिट करता हूँ शाम को, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर यूसुफ ज़ई पठान विजन्स।